बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ले कर चलते हैं ये फर्नीचर शोरूम है, अल मदीना फर्नीचर शोरूम। ये डडयाल बाज़ार में ये ब्लोट जगह है, यहाँ पे वाक़ है। इसके ओनर हैं ये आज़म साहब और मोहम्मद रियाज साहब, जो कि हमारे अच्छे जानने वाले हैं। मैं अक्सर औकात इनसे फर्नीचर जो है वो बाय करता रहता हूँ। आई शुड टेक यू देयर इज़ वेल, आपको भी इनसे मिलवाते हैं, बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, पुराना साल जो है उसका अख्तिताम हो रहा है और नया साल शुरू हो रहा है। इसके साथ ही शादियां वगैरह जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, और शादियों की आमद पे जो है आपको पता है फर्नीचर जो है वो सबसे मेन चीज़ होती है, दहेज वगैरह में भी, नए घर की सेटिंग वगैरह के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फर्नीचर प्लेस इन डडयाल, दैट्स माई ओपिनियन। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, इससे बेहतर भी होंगी, बट फॉर एज आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन। बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ी शॉप है। यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट तरह का बेड्स, सीटी, सोफ़ा वगैरह, टेबल्स, डाइनिंग टेबल्स, इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो जिस तरह के कुछ डिज़ाइन ये सेल के लिए आइटम्स ये आप देख सकते हैं, सीटीज, ये बेड है, ये लकड़ी और क्या नाम है इसका, और लेदर का कॉम्बिनेशन है इस बेड का। और ये इंतहाई जो है ना रीज़नेबल प्राइसेस पे भी आपको मिल जाएंगी। ये लेदर में तैयार की गई बेड है, इसके साथ फिर वो बाकी ड्रॉज़ वगैरह, ये जो है ये लकड़ी में, इसके साथ ड्रॉज़ वगैरह। ये बेड है, इसमें भी कॉम्बिनेशन है लकड़ी का और बाकी कुछ दूसरा काम भी हुआ है। आई डोंट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बेड्स, बट जहाँ तक मुझे नॉलेज है आपको बता रहा हूँ, इधर भी लगी हुई हैं, कुछ अनकम्प्लीटेड भी हैं। ये भी बेड है, इसके साथ भी ड्रॉज वगैरह। यहाँ पे यू कैन सी ये भी होटल्स वगैरह की तरह का डिज़ाइन है। ये भी बेड है, वहाँ भी सीटीज हैं। ये भी बेड है, इसके ऊपर मैट्रेस नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये भी अच्छी बेड है। कुछ यहाँ पे भी हैं, ये भी एक बेड ही है। ये आगे जिसकी तरफ लेके जा रहे हैं, दिस इसको हवेली बेड कहते हैं। फरजा नाव ये इनकी जो है महंगी तरीन बेड कह लें, इसकी कीमत 2 लाख से स्टार्ट हो गई, 4 से 5 लाख तक जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव बेड, ये पुरानी जो हवेलियाँ थी उसकी तर्ज पे बनाई गई, काफ़ी भारी भरकम होती है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। आप देख सकते हैं इसके साथ वो ड्रो वगैरह ये सारा कुछ है। बाकी जो बेड्स हैं उनकी मालियत जो है ना 50,000 से शुरू हो के 1.5 लाख, 1,20,000 मोस्ट ऑफ देम की प्राइसेस हैं। वो आगे ये भी है रेड लेदर में कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है। ये मस्जिद में मेंबर वगैरह हैं, उसके लिए किसी ने शायद तैयार करवाया या सिंपल इनके पास पड़ा हुआ है स्पीच वगैरह करने के लिए। यहाँ सीटीज हैं, ये भी इसकी पोशिंग हुई है, लेदर नहीं है लेकिन ये शनील की तरह का कोई मटेरियल है, उससे बनाई गई है। ये भी सीटीज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक सोफ़ा है, क्रीम कलर में,
ब्लैक कलर की इसकी कुशन्स हैं, ये ब्लैक लेदर में। ये जो है कपड़ा शायद उसमें, ये जो है ये भी सीटीज हैं लेकिन ये प्लास्टिक कोटिंग में, शायद डस्ट वगैरह से सेव रखने के लिए। ये आप देख सकते हैं ये भी सीटीज हैं, ये भी डिस्प्ले पे लगी हुई हैं। यहाँ पे कुछ अनकम्प्लीटेड पैड्स वगैरह भी पड़ी है। ये डाइनिंग टेबल, ये भी ऑफिस की तरह की सीटीज हैं, अच्छा डिज़ाइन है इनका भी लेदर में। ये भी चनोटी डिज़ाइन है मेरे ख्याल से, वहाँ भी आपको सीटीज नज़र आ रही होंगी। ये डाइनिंग है, अभी प्लास्टिक कोटिंग में कुछ सीटीज वगैरह हैं पड़ी हुई, वो सीटीज हैं। ये भी यही लेदर में, तो दोस्तों ये था आज का जो है व्लॉग, ये फर्नीचर शोरूम के बारे में। मैंने कहा आई शुड शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू और आपको विज़िट करवा दें थोड़ा सा। अगर आपको इफ़ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम देम यू कैन कॉन्टेक्ट देम स्ट्रेट अवे। ये मैन सिटी डुडयाल में वाक़ है, हर तरह का इनके पास फर्नीचर होता है, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, कस्टमर सर्विस इनकी बहुत अच्छी है और बहुत ही कोऑपरेटिव है। रियाज साहब भी इंतहाई संजीदा मिजाज के बंदे हैं और ये आपके साथ जो है ना कोऑपरेट करते हैं हर तरह से। इट्स अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट विद यू। आपको जिस तरह का आपका बजट है, जिस तरह की आपको चीज़ चाहिए, सस्ती महंगी उससे महंगी, हर किस्म की जो है ना क्वालिटी इनके पास अवेलेबल है। सो आई थिंक यू वुड लाइक के, इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।